राजधानी जयपुर के क्राइम ब्रांच डीएसटी नॉर्थ और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके 45 लाख की लूट मामले में खुलासा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ अनिल पारिस देशमुख, डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद, एडिशनल एसपी सुलेश चौधरी समेत अन्य अधिकारियों ने करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की है। अजमेर में ब्यावर के अजमेर रोड स्थित रिको एरिया में एक मिनरल फैक्ट्री में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गया चोर ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। जैसलमेर के माड़बाग गांव में पुलिस ने सुअर चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चुराए गए सुअर और एक पिकअप को भी बरामद किया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में एक विवाहिता ने अपने ही मकान में आग लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बारा में फॉल्ट सही करने गई बिजली निगम की टीम ने कुछ लोगों ने इनसे मारपीट की है। कोतवाली पुलिस ने बिजली निगम जेईएन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया, एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा के सदर थाना पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करके लूट करने की वारदात का खुलासा कर दिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाश नेहरू मीणा और कुंची मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेहरू के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बूंदी के डाबी थाना इलाके के चमन चौराहा पर बनी टपोरियों में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मजदूर महिला का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया है। बारा के अटरू थाना क्षेत्र के मुंडला बिसोती में एक सगे छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है।